ठीक है, तो अभी दोनों ही तो देखेंगे। आपको YouTube लाइव का लिंक दे दिया हूँ, ग्रुप में आया होगा लिंक, आया है ना? ठीक है। और नोट्स नोट्स मिल गया आप लोगों को कल जो भेजा था? ठीक है, तो जिस हफ्ते क्लास मतलब इस हफ्ते में जो होंगे उसका नोट्स उस संडे को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वेट करते हैं अभी। तो शुरू कर लें हम लोग, वो लोग आते रहेंगे अपना। ठीक है, शुरू कर लें क्या? ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, 1 मिनट। तो मैं दो दो डिवाइस से कनेक्ट हुआ हूँ ताकि अगर बीच में कोई घुसेगा तो एक और डिवाइस से मैं उनको एडमिट कर दूँगी मीटिंग में। ठीक है, तो चलिए 31 लोग हो ही गए। ठीक है, उससे ज़्यादा तो आते नहीं हैं। तो कल यहीं पे थे ना हम लोग? ये क्लैपर टाइप पढ़ना था हम लोगों को, है ना? तो बाकी तो हम लोग पढ़ चुके थे, जैसा ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे। सोलनाइट टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्टर्स का टाइप है। ठीक है, कॉन्टैक्टर्स का टाइप में एक सोलनाइट टाइप है और एक और आपका क्लैपर टाइप है। ठीक है, तो 1 मिनट, यूट्यूब में लाइव आ रहा है, 1 मिनट चेक करने दीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि कॉन्टैक्टर टाइप में एक हमारा कॉन्टैक्टर्स में एक हमारा सोलनॉइड टाइप है और दूसरा हमारा क्लैपर टाइप है। ठीक है, अगर मेरा आवाज़ कट रहा है या कुछ दिक्कत है मेरे साइड से तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी सोलनॉइड टाइप देख चुके थे। ठीक है, सोलनॉइड टाइप में कैसे काम करता है वो हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग क्या, ये सोलनॉइड टाइप का जो डायग्राम था, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लैपर टाइप देख रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है, क्लैपर टाइप भी सेम वही है, ये एक कॉन्टैक्टर है वो भी। ठीक है, तो ये भी आपका एक कॉन्टैक्टर का टाइप है। ठीक है, ये भी आपका एक कॉन्टैक्टर का टाइप है। तो क्लैपर टाइप में क्या होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम डायग्राम दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये क्लैपर टाइप में क्या होता है देखिए। ठीक है, तो क्लैपर टाइप में क्या होता है, एक हमारा मूविंग कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, और एक हमारा फिक्स्ड कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मूविंग कांटेक्ट क्या होगा, ये मूव होगा। ठीक है, मतलब ये वाला कांटेक्ट जो है हमारा, ये जो पूरा फिक्स्ड कांटेक्ट है ये हमारा कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला मूवेबल कांटेक्ट जो है वो क्या होगा, मूव होके इसके पास आएगा, इससे आके कांटेक्ट करेगा जब हम लोग को, जब हम कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, और जब हम कॉइल को डी एनर्जाइज करेंगे मतलब कॉइल को जो वोल्टेज दे रहे वो जब हम निकाल देंगे तो ये पीछे से पीछे आ जाएगा। तो ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है ये वाला हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाला मूव कैसे करेगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि ये आपका कॉइल है, ये जो पूरा ये है कॉइल विथ कोर एंड कॉइल है। तो यहाँ पे एक कोर है आपका, ये वाला, ये बीच में जो वाइट वाला है ये आपका कोर है, और जिसके सराउंडिंग में हम लोगों ने क्या किया, कॉइल लगाया था। ठीक है, हम जब कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तो इस कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, मतलब जब आप स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, मान लो स्विच ऑन होगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल को क्या होगा, सप्लाई मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो आपका क्या होगा,
तो जैसे इस कॉइल को सप्लाई मिलेगा, तो ये कॉइल है और यहाँ पे कोर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हिंजेड आर्मेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंजेड आर्मेचर बोलते हैं। हमारा पूरा ये हमारा क्या है, हिंजेड आर्मेचर। तो आर्मेचर मतलब आपको पता है ना कि जो भी मूविंग पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हिंजेड आर्मेचर बोलते हैं। हिंजेड मतलब क्या होता है, इंजन मतलब क्या होता है, हाँ, जो आपका दरवाजे में भी होता है वो भी क्या होता है, उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जॉइंट है एक, ठीक है, हिंज आपका, हिंज मतलब क्या है, एक जॉइंट का टाइप है, ठीक है। हिंज जॉइंट में क्या होता है, जैसा हमारा ये कोई लकड़ी का तो है, तो इसके हम एक साइड क्या करेंगे, कील डाल देंगे, और एक इधर साइड क्या होगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, मतलब एक ही साइड हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा, दूसरा साइड वो क्या हो जाएगा, किसी एक कील से हम लोग उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस थोड़ा हटाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो आर्मेचर है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये कील से इसको टाइट कर दिए। तो ये अगर मूव करना है तो सिर्फ इतना ही इसका जो पार्ट है, इतना ही भाग क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। ये वाला नहीं मूव करेगा, ये पूरा फिक्स हो गया, सिर्फ ये पूरा एक ही पार्ट है, ये मत समझिए कि अलग पार्ट है, यहाँ से लेके ये पूरा हमारा एक ही पार्ट है। लेकिन इस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कील से इसको क्या कर दिए, टाइट कर दिए। तो अगर मूव करना है तो क्या होगा, सिर्फ ये मूव करेगा, जैसे ये इधर मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर साइड जाएगा, ये अगर इधर आएगा तो इधर साइड क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कील लगाया है, ठीक है। तो अगर ये इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो ये इधर साइड क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या करेगी, इधर मूव करेगा, तो ये आके इससे लग जाएगा। तो मैकेनिज्म समझ में आया, तो मैकेनिज्म ये है कि देखिए इसमें कांटेक्ट होता कैसे है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ जब मेरा ये वाला, देखिए जब मैं ऑन करूँगा, ठीक है, जब मैं ऑन करूँगा तो इस कॉइल, ये वाला पूरा कॉइल को क्या होगा, सप्लाई मिलेगा, ठीक है। ये कॉइल को जब सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा कि ये कॉइल क्या करेगा, एक मैग्नेट जैसा काम करेगा, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इधर साइड खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ना, ये एक स्टील का मटेरियल होता है, ठीक है, एक स्टील का मटेरियल होता है, तो ये पूरा मैग्नेट है, तो ये क्या, स्टील नहीं, एक आयरन पीस मान लीजिए, ठीक है, स्टील जो भी है, एक मेटल है, तो ये मेटल क्या करेगा, जब भी ये कॉइल को सप्लाई मिलेगा, ये कॉइल जब मैग्नेट जैसा बन जाएगा, तो इसको ये क्या करेगा, इधर साइड खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर साइड मूव करने लगेगा, जब ये इधर साइड मूव करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कील लगाया था, तो जब ये इधर साइड खींच रहा है, तो ये इधर मूव करेगा, तो ये पूरा भाग, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ऊपर मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये पूरा पार्ट ये इधर खींच रहा है, तो ये पार्ट ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगी, इसको मूव करेगा, तो ये जाके क्या है, ये इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये इधर मूव करके इससे आके क्या होगा, लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैकेनिज्म समझ में आया आपको, क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं ऑन किया हूँ तो एक कॉइल इसको खींचा, जब ये कॉइल इसको खींचा, ये ऊपर गया, ये ऊपर जाके इससे कांटेक्ट किया, तो इससे कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसा आप देख सकते हैं, इसको हटाने दीजिए, ये वाला आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इनकमिंग टर्मिनल है, मतलब यहाँ से ऐसा एक टर्मिनल आएगा, और ये हमारा क्या है, आउटगोइंग टर्मिनल है, ठीक है। जब हम ऑन करेंगे तो इस कॉइल को सप्लाई मिलेगा, तो एक कॉइल इसको इधर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला इससे टच करेगा, जैसे ये वाला इससे टच करेगा तो कनेक्शन क्लोज हुआ, यहाँ से देखो इनकमिंग टर्मिनल ऐसा आया, और जब ये इससे टच हुआ तो इसमें गया, इसमें से ऐसा घूम के ऐसा गया, तो इनकमिंग टर्मिनल से सप्लाई आउटगोइंग टर्मिनल में गया, ठीक है। तो ऐसा आपका कॉन्टैक्टर क्या करेगा, सर्क्यूट को मेक करेगा, मतलब सर्क्यूट जब कनेक्ट होगा उसको मेक बोलेंगे, जब सर्क्यूट डिसकनेक्ट होगा उसको हम लोग ब्रेक बोलेंगे, मेक और ब्रेक, ठीक है। तो मेक और ब्रेक, जैसा जैसा सर्क्यूट क्या होगा, ऐसा मेक होगा, ठीक है। और जब हमको ब्रेक करना है सर्क्यूट, मतलब सर्क्यूट को जब हमको ओपन करना है, तो हम इसको ऑफ दबाएंगे,
जैसे ही हम ऑफ दबाएंगे तो इस कॉइल को सप्लाई बंद हो जाएगा। जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई बंद होगा, ये कॉइल इस आयरन को खींचना बंद कर देगा। जैसे ये कॉइल इसको खींचना बंद कर देगा तो यहाँ पे आप देख एक क्या हो जाएगा, फिर से अपना पीछे चला जाएगा तो ये पूरा ऐसा नीचे आएगा। ठीक है, ये पूरा ऐसा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर से ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये दूर चले जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये दूर चले। ठीक है, मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। ठीक है, मेक और ब्रेक अलग बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे मेक का, मतलब सर्किट कैसे मेक या कैसे हमारा सर्किट क्लोज हो रहा है। जब सर्किट क्लोज हो रहा है मतलब तुम स्विच ऑन कर रहे हो तो कॉइल को सप्लाई मिला। जैसे कॉइल को सप्लाई मिला, ये इसको ये मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये इसको खींच रहा है, तो हिंज इधर आ रहा है। तो जब हिंज को इधर खींच रहा है तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कील लगाया, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर मूव करेगा। जब ये ऊपर मूव करेगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होगा, आज क्या इसको लग जाएगा। तो अब क्या हुआ, सर्क्यूट मेरा क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हैं इनकमिंग टर्मिनल यहाँ है, तो यहाँ से करंट ऐसा आएगा, इसमें जाएगा, जब ये इससे टच करेगा तो इसमें जाएगा, इसमें से इस कॉइल को ऐसा राउंड करके ऐसा आउटपुट टर्मिनल से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा सर्क्यूट को हम ऑन करेंगे तो ऐसा हमारा सर्क्यूट क्लोज करेगा। ठीक है, अब ब्रेक कैसे करेगा या ओपन कैसे होगा। ठीक है, अब हमारा सर्क्यूट ब्रेक कैसे होगा या ओपन कैसे होगा। ठीक है, तो ओपन करने के लिए, सर्क्यूट को ओपन करने के लिए हम ऑफ बटन दबाते हैं। जैसे हम ऑफ दबाएंगे तो इस कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, ये इसको इधर नहीं खींचेगा तो ये फिर से अपना पीछे चले जाएगा। जैसे ये पीछे जाएगा तो ये भी क्या होगा, नीचे आएगा। जैसे ये नीचे आएगा तो ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होगा, इससे दूर आने लगेगा। जैसे ये दूर आ जाएगा तो अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया तो करंट नहीं जाएगा, तो इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनल के बीच में डिसकनेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपका सर्क्यूट क्या होगा, मेक और ब्रेक होगा। समझ में आया कैसे सर्क्यूट ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अब देखो, पहले सर्किट ऑन किया हूँ तो अच्छी बात है, ये दोनों कनेक्ट हुए और यहाँ से यहाँ सप्लाई जा रहा है। अब जब मैं सर्किट ओपन किया हूँ मतलब इसको ऑन, इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया तो ये पीछे आ जाएगा। जब ये पीछे आएगा तो आराम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आर्क आएगा। आर्क आएगा ना, क्योंकि देखिए पहले क्या होगा, ये दोनों टच में है तो इसमें से इसमें करंट आराम से जा रहा है जब मैं इसको निकाल रहा हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ बीच में एयर में हवा में जो आयाम्स रहते हैं वो अभी भी एनर्जी है उनको, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंडक्टर के साथ काम करके हवा में हमारा करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। बल्कि हमारा कॉन्टैक्ट, हाँ ठीक है, बल्कि हमारा कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या आएगा, आर्क आएगा। तो अब इस आर्क को कैसे बुझाएंगे, नहीं करो आर को इसका अगर हम बुझाएंगे नहीं तो हमारा ये टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। बार बार तुम्हें टर्मिनल्स बदलना पड़ेगा। तो अब बताइए आर को कैसे बुझाएंगे, किसी को कुछ मतलब कुछ आ रहा है इसको देख के कि इसमें आर कैसे बंद हो जाएगा। तो आप देखिए, तो आप अगर कहीं भी जब पढ़ेंगे पावर सिस्टम्स में भी देखेंगे तो एक चीज होता है आर्किंग हॉर्न, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है आर्किंग हॉर्न। ठीक है, आर्किंग हॉर्न क्या होता है, आप लाइटनिंग अरिस्टर्स में भी देख सकते हैं। लाइटनिंग अरिस्टर्स आपका जो रहते हैं, लाइटनिंग अरिस्टर्स या बहुत सारी जगह क्या होता है, अगर जो जैसे ट्रांसफॉर्मर में भी देख सकते हैं ऐसा रहता है, ट्रांसफॉर्मर में भी यहाँ पे एक वायर ऐसा रखा रहता है। ठीक है, तो ये भी अब आप पे क्या है, ये एक आर्किंग हॉर्न है। आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर रहते हैं उनके में भी ऐसा कुछ कनेक्शन दिखता है आपको, ऐसा एक मेटल स्ट्रिप रहेगा, ऐसा एक आयरन पीस रहेगा और दोनों के बीच में एक तार रहेगा। ठीक है, तो ये आर्किंग हॉर्न का अरेंजमेंट होता है। आर्किंग हॉर्न में क्या करते हैं, पहला डायमीटर कम रहेगा और धीरे धीरे डायमीटर को क्या करेंगे, ऐसा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इससे आर्क बुझ जाएगा। तो भैया अब आप कैसे बुझेगा, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं मेरा इस सेटअप में भी, अगर आप यहाँ भी देखेंगे मेरा सेटअप में, आप भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये कैसा इधर साइड गया और ये कैसा इधर साइड गया, तो इधर रहता है इसमें, इमेज में थोड़ा गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग आर्किंग हॉर्न बोलते हैं, ये वाला और ये वाले को। ठीक है, तो ये आर्किंग हॉर्न काम कैसे कर रहा है, ये कैसे आर्क को एग्जिस्ट खत्म करेगा। ठीक है, तो आप देखिए
मान लो पहला मेरा सर्क्यूट दोनों कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से टच हुए, ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, ऑफ बटन दबाया हूँ, तो इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया। जैसे इसको सप्लाई मिलना बंद हो गया तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे से दूर आ गए। लेकिन दूर आने के बाद भी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक आर्क आ गया, ठीक है, क्योंकि हाई करंट है तो आर्क आएगा ही। तो आप यहाँ देखिए, आप जब ये दोनों टच थे तो करंट क्या हो रहा था, इससे इसमें जा रहा था, इसमें जाने के बाद ऐसा आके सीधा आउटपुट टर्मिनल को नहीं जा रहा था, इधर साइड इस सर्क्यूट में ऐसा एक चक्कर लगा के उसके बाद ऐसा आउटपुट टर्मिनल में जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसा सप्लाई इसमें से इसमें आएगा, तो इसमें आने के बाद ऐसा इसमें से इस कॉइल में ऐसा एक चक्कर लगाएगा, इस कॉइल में चक्कर लगाने के बाद क्या होगा, ऐसा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉइल है जिसका चक्कर लगा रहा है करंट, उस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो आउट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो आउट कॉइल, ठीक है। तो अब देखिए कॉइल है, कॉइल में करंट सर्कुलेट किया, तो इस कॉइल से क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। तब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अगर यहाँ आर्क भी बना तो ये कॉइल की वजह से वो आर्क क्या होगा, ये आर्क को ये ऊपर धक्का देने लगेगा, ठीक है। तो आर्क, हाँ आर्क क्या होगा, यहाँ से पहले यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ऐसा ऐसा ऊपर जाता रहेगा। जैसा आर्क ऊपर जाता रहेगा तो आर्क का जो लेंथ है, पहले इतना लेंथ था तो आप अब आर्क को इतना लेंथ ट्रैवल करना है, और ऊपर गया तो आर्क को इतना लेंथ ट्रैवल करना है। तो आर्क का जो लेंथ है, आर्क को जिस लेंथ से ट्रैवल करना है, वो लेंथ क्या हो रहा है, ऊपर जाते बढ़ जा रहा है। जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा आर्क के लिए, तो इतना ऊपर आने के बाद आर्क वो इतना रेजिस्टेंस को झेल नहीं पाएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आर्क मतलब कुछ नहीं होता है, आर्क मतलब क्या होता है, अगर एयर है, एयर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो आपको आर्क के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो अब करंट को ये हवा में जा रहा है तो करंट को हवा में भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन पहला क्या होगा, देखिए ठीक है, एक मिनट, अब देखिए पहला कंडीशन में क्या होगा, पहले मेरा आर्क इतना था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस कॉइल के, इस कॉइल में करंट चक्कर लगाने की वजह से यहाँ पे कुछ वो आया, ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स आया, वो इसको क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। तो अब आर्क यहाँ से यहाँ आ गया, तो आप देख सकते हैं नीचे से आर्क थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ, तो पहले 2 सेंटीमीटर इसको जाना था, अब उसका लेंथ क्या हो गया, अब उस करंट को 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और ये अभी चुप नहीं बैठी और इसको धक्का दी ऊपर। तो अब आर्क क्या हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, अब 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर का लेंथ में आर्क को जाना है, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, अब आर्क को 10 सेंटीमीटर जाना है। तो आपको पता है रेसिस्टेंस आर इक्वल टू फार्मूला क्या है, रो एल बाई ए, मतलब आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, मेरे पेन का आ गया, आपका रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, मतलब पहला आर्क कितना, 2 सेंटीमीटर में रेसिस्टेंस कम होगा आर्क के लिए, जैसे जैसे आर्क ऊपर जा रहा है तो आर्क का लेंथ बढ़ रहा है, तो आर्क के लिए रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतना रेसिस्टेंस होने के बाद इसमें इतना हाई रेसिस्टेंस में आर्क का करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, तो तुरंत आर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते, जैसा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो करंट कम होगा, मतलब आर्क का करंट कम होते जाएगा, जैसे इतना ऊपर जाएगा तो पूरा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इस सर्क्यूट में क्या होगा, आर्क को हम लोग बंद कर रहे हैं। तो इसमें दो मैकेनिज्म समझ में आया, सर्क्यूट कैसे काम कर रहा है, और जब सर्क्यूट ओपन हो रहा है तो उसमें जो आर्क आ रहा है वो कैसे कम हो जा रहा है। तो समझ में आया दोनों, और किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो हाँ, आप क्लास के बारे में आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्लैपर टाइप का ये है, तो यहाँ पे आपका आर्क का मैकेनिज्म दिखाया हूँ, फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो पहले आर्क कितने में फॉर्म हुआ, उसके बाद आर्क और ऊपर गया, और ऊपर गया, और ऊपर गया, यहाँ देखिए आर्क कितना लेंथ ट्रैवल करना है, तो इतना लेंथ आर्क नहीं ट्रैवल कर पाएगी, आर्क थोड़ा आलसी है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, कौन जाए इतना लेंथ में, बंद हो जाओ, तो आर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कम लेंथ था तो आराम से जाएगा, थोड़ा लेंथ पर गया तब भी सोचे कि ठीक है चलिए चलेंगे, और थोड़ा लेंथ पर गया सोचे कि ठीक है और चलेंगे, जब इतना ज़्यादा लेंथ उसको ट्रैवल करना होगा तो आर्क क्या होगा, आलसा आ जाएगा, बोलेगा अरे इतना कौन ट्रैवल करेगा, इससे अच्छा चुप्पी हो जाओ, और आर्क क्या हो जाएगा, इतना लेंथ वो ट्रैवल नहीं करेगा, चुपचाप सो जाएगा, ठीक है। तो आपका आर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है आर्क कैसे एग्जीक्यूट, तो इसमें आपको दो चीज़ें सीखना है, ठीक है। पहला क्या है कि सर्क्यूट को क्लोज या मेक करते समय
कैसे क्लोज हो रहा है और सर्क्यूट कैसे ओपन हो रहा है, और ये दोनों सीख लिए। तो उसके बाद कोई पूछेगा, भाई सर्क्यूट ओपन तो हो रहा है लेकिन ओपन होते समय यहाँ तो आर्क आएगा ना, तो उसको कैसे बुझाओगे? तब उनको ये समझाना है कि ये देख ऐसा बुझाऊंगा, ठीक है? तो ऐसा आपको ये दिखा के बोलना है कि ऐसा बुझाऊंगा आर्क, ठीक है? तो ये आपका एक और दूसरा टाइप है, समझ में आया? क्लैपर टाइप। तो अब मेनली यही दो टाइप होते हैं कॉन्टैक्टर्स, ठीक है? लेकिन एक और कॉन्टैक्टर टाइप है, और एक दो और है, लेकिन इसमें से एक देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो ये पुराना टेक्निक है, अब यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? लेकिन पुराने को भी थोड़ा भाव देना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे। आपका सिलेबस में तो ये टाइप्स नहीं दिए, कॉन्टैक्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए बोले, तो मैं सिलेबस कल आपको भेजना भूल गया हूँ, आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो इसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है? हमारा अगला टाइप है हमारा लॉकआउट टाइप, ठीक है? लॉकआउट, ठीक है? हमारा अगला टाइप है हमारा लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर, ठीक है? तो लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर में क्या होता है, ठीक है? एक मिनट। तो लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर को सर्किट डायग्राम देखिए, ठीक है? तो ये लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर आपको देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है? तो ये कहाँ यूज़ करते हैं? ये आपका डीसी मोटर का स्टार्टर्स जो रहते हैं, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये पुराने जमा वोल्ड अब तब यूज़ करते थे, अब इनको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? अब जो आपको लैब में भी जो स्टार्टर मिलेगा उनमें भी आपको शायद लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर नहीं मिलेगा। देखे हो क्या आप लोग ये ऐसा कोई कॉन्टैक्ट तो देखे आपने डीसी मशीन लैब में? नहीं होगा शायद। हाँ, तो अब ये कोई नहीं यूज़ नहीं कर रहा, पहले होता था लेकिन अब है नहीं, ठीक है? तो अब लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर में होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो कॉइल है, ठीक है? एक है आपका कॉइल ए, ठीक है? और दूसरा आपका कॉइल बी, ठीक है? तो इसी कॉइल बी को वो क्या बोलते हैं, लॉक आउट कॉइल बोलते हैं, ठीक है? ये कॉइल है, ये क्लोजिंग कॉइल है आपका, मेन क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है? ये आपका मेन क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है? और आपका ये कॉइल क्लोजिंग कॉइल बी को क्या बोलते हैं, लॉकआउट कॉइल बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये काम कैसे करेगा, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है इसको देख के काम कैसे करेगा? ठीक है, हाँ, अब ये देखिए ये वाला कॉइल का एनर्जी मिल रहा है, इसको भी एनर्जी मिल रहा है, ये तो इसको इधर खींचने के लिए कोई लगा, इसको इधर खींचता है तो ये इधर आएगा, और ये इसको इधर खींचने के लिए कोशिश करेगा, मतलब इसके ऊपर ये इसके वजह से इधर खींचने का कोशिश होगा, इसके वजह से इधर खींचने का कोशिश होगा, तो आप कैसे दोनों में किस डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि आप ये देख सकते हैं, अगर इस कॉइल का एनर्जी मिल रहा है तो ये कॉइल क्या करेगा, इसको खींचेगा, जैसे इसको खींच रहा है तो यहाँ पे हिंज है, तो ये पूरा सेटअप क्या होगा, इस डायरेक्शन इधर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ पे एक और कॉइल है, ये क्या करेगा, इस हिंज को इधर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब ये की इसमें ये इस कॉइल की वजह से इधर साइड फोर्स आ रहा है और इस कॉइल की वजह से इधर साइड फोर्स आ रहा है, तो अब ये किधर जाए, किधर जाएगा, कुछ कुछ तो कमा सकते हो, किधर जाएगा ये? हाँ, तो यहाँ पे इतना तो हम लोगों को पता है कि अगर ये जो कॉइल है, अगर इसको ये ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है तब ये में पूरा सेटअप फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर जाएगा, अगर इसका फोर्स ज़्यादा है तो ये मूविंग कॉइल फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के पास जाएगा, ठीक है? मतलब इस कॉइल का फोर्स ज़्यादा है या टार्क कि या इसका टार्क ज़्यादा है या इसका टार्क ज़्यादा है, जिसका टार्क ज़्यादा होगा उस तरफ जाएगा, अगर इसका टार्क ज़्यादा है तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से ये दूर जाएगा क्योंकि ये इधर खींचेगा, अगर इसका इसका टार्क ज़्यादा है तो फिक्स्ड कॉइल के पास जाके लग जाएगा, ठीक है? तो अब ये किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? उसके लिए मैं आपको एक कर्व दिखाऊंगा, तो आप एक कर्व देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में, आपके एक कर्व दिख रहा होगा, ये वाला कर्व दिख रहा है आपको। तो मान लो ये पूरा आयरन पीस जो है, इस पूरा आयरन पीस को मैं क्या बोलूँगा, आर्मेचर बोलूँगा, क्योंकि हम मशीन्स में जब भी बात करेंगे, मशीन्स में जहाँ भी अगर कोई मूविंग पार्ट है, मशीन्स में अगर जहाँ भी
एक मूविंग पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, क्योंकि मशीन्स में आर्मेचर ही मूव करता है, ठीक है। तो मशीन्स में जहाँ जहाँ भी मूविंग पार्ट है उसको हम आर्मेचर ही बोलेंगे, बल्कि हम अब कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो भी मूविंग पार्ट रहेंगे उसको मैं आर्मेचर ही बोलूँगा। तो पिछले वाले में भी आर्मेचर ही बोला था, इसमें भी मैं इसको आर्मेचर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप राइट साइड इमेज देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहे हैं। तो ये वाला जो कर्व है, ये जो ये वाला कर्व है ऐसा आया, ये वाला कर्व है कॉइल ए का, और ये वाला कर्व है आपका कॉइल बी का, मतलब ये वाला लॉकआउट कॉइल का है और ये वाला आपका एक और कॉइल का है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये दोनों कर्व्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों आ रहे हैं? कुछ तो मैं प्रॉपर्टी में चेंज किया होगा, है ना। मैं इन दोनों कॉइल्स में, एक मिनट, ये वाला नॉर्मल मेन कॉइल में और ये वाला कॉइल में मैं कुछ तो किया हूँ, उसकी वजह से मेरा दोनों का जो टार्क और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। टार्क और करंट का क्या, आप लोग सैचुरेशन सुने हो? सैचुरेशन क्या होता है? ठीक है, हाँ बता ही नहीं है वो क्या होता है, अब एक बार देख लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत साल, आप लोगों को बहुत गैप आ रहा है ना एक एक सेमेस्टर के बीच में कोरोना के वजह से। तो देखिए क्या होता है, मान लो ये मेरा कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरा कोई मैग्नेटिक पीस है, मान लो स्टील है, ठीक है। इसको ऊपर मैं क्या किया हूँ, ये कॉइल ऑन किया हूँ, इसके ऊपर मैं क्या किया हूँ, ये कॉइल ऑन किया हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल सप्लाई है, इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो H इक्वल, तो आपका फार्मूला क्या होगा, NI/L ऐसा कुछ होगा, है ना। तो आपका H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो कॉइल है इसका मैं फिक्स टर्न्स है, मैं एक बार मैं वाउंड कर दिया हूँ तो बार बार इसका नंबर ऑफ टर्न्स मैं नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है। और ये कॉइल जो है इसका लेंथ भी मैं बार बार नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉइल में मैं क्या बदल सकता हूँ, सिर्फ करंट को अप एंड डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि कॉइल एक बार बन गया तो ना तो उसका टर्न्स में अप एंड डाउन कर पाऊंगा, ना तो उसका लेंथ में अप एंड डाउन कर पाऊंगा। तो ये वाला कांस्टेंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट हो गया, तो फाइनली बचे क्या क्या, मेरा H इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, ठीक है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है, H इज प्रोपोर्शनल टू I मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, मान लो पहला मैं दिया हूँ 1 एम्पियर का करंट, तो ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है आपके पास, कोई भी मटेरियल है आपके पास, तो उस मटेरियल में क्या होगा, कुछ डोमेन्स आएंगे, ठीक है। डोमेन सब ऐसा अपने अपने मनमानी करेंगे और सब अपने अपने डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन इन सबको सीधा करने के लिए, जैसा घर में पापा नहीं है तो हम भी अपना अपना मनमानी करने लगेंगे, घर में कोई जो जिससे हम डरते हैं वो आ जाएंगे तो हम भी अपना चुपचाप रहेंगे, है ना। तो ये लोग भी पहले अपना मनमानी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका करंट आ जाएगा, जैसे ही करंट इस ये कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। सुधर के क्या हो जाएंगे कि मान लो पहला 1 एम्पियर का करंट दिया हूँ, तो जब मैं 1 एम्पियर का करंट दिया हूँ तो इनमें से कुछ लोग जो पहले डर जाते हैं वो लोग सुधर जाएंगे, वो लोग सुधर के एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं, ठीक है, तो बाकी भी अभी भी सुधरे नहीं हैं, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट से इतना ही लोग सुधरे हैं, तो बाकी लोग नहीं सुधरे। तो मान लो अब कर्व डालेंगे, कर्व कर्व के हिसाब से देखेंगे, तो ये मेरा करंट है, ये मेरा मान लो इसमें जो डोमेन्स के अलाइन है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ठीक है। तो पहले इतने लोग सुधरे, ठीक है, उसके बाद क्या किया, सुधरे नहीं, तो इसका वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा दिए, इस बार 2 कर दिए, जैसे तो 2 किए तो बाकी लोग जो नहीं सुधर रहे उनमें भी कुछ लोग क्या हो गए, सुधर जाएंगे, मतलब कुछ और डोमेन्स क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी अभी भी कुछ लोग नहीं सुधर रहे, ठीक है। तो अब कर्व थोड़ा और इंक्रीज हुआ, क्योंकि सुधरने वालों का संख्या बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। अभी भी हम लोगों को, अभी भी कुछ लोग नहीं सुधरे, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही 3 किया तो जितने भी लोग हैं सब लोग सुधर गए और सब लोग एक ही डायरेक्शन में आ गए, ठीक है, मैक्सिमम। तो
ठीक है, उसके बाद मैं जितना भी बढ़ाऊंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, 6 करूंगा, 7 करूंगा, कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि सब लोग सुधर गए, जितने भी डोमाइन थे सब एक डायरेक्शन में आ गए। उसके बाद वहाँ पे घूमने के लिए कोई डोमाइन है ही नहीं, क्योंकि सब लोग एक डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो उसके बाद आप करंट को जितना भी बढ़ाएंगे तो मेरा कर्व कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कॉन्स्टेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है कॉन्स्टेंट, क्योंकि मेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल, इस मटेरियल में जो भी डोमेन है वो सब एक डायरेक्शन में हो गए, अब उसमें कोई डोमेन बचा ही नहीं है एक डायरेक्शन में घूमने के लिए, मैक्सिमम लेवल है, उसके बाद उसमें कुछ बचा ही नहीं डोमेन डोमेन घूमने के लिए, तो उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल क्या है कि कोई आप लोग है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं गया सुबह जिम, ठीक है, पहले 10 किलो डाला मेरे ट्रेनर ने, उठा लिया, 15 डाला उठा लिया हूँ, 20 डाला तब भी थोड़ा बहुत मेहनत करके उठा लिया हूँ, उसके बाद 25 किलो डाला, मैंने कहा भाई मैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, इतना ही है मेरा कैपेसिटी, उससे ज़्यादा मेरे से होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरा कैपेसिटी कितना तक है, 20 किलो तक, तो 20 के बाद 25 किलो डालोगे तो मैं कहूँगा मैं मर गया, अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लेवल बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेशन मतलब उसके बाद मेरा कर्व जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बताओगे तब भी कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब मान लो एक मेरा एयर है और एक मेरा स्टील है। ठीक है, ठीक है, अब ये बताओ कि दोनों में पहले कौन से सैचुरेशन में जाएगा, एयर जाएगा, मान लो दोनों को मतलब मेरा एक कॉइल है ऐसा, हवा में एक कॉइल बना है, तो इस कॉइल के बीच में कौन रहेगा, हवा ही रहेगा ना, तो इस कॉइल का जो कोर कौन बनेगा, हवा बनेगा, तो मान लो इसका हवा, इसके लिए कोर हवा है, तो ये मेरा एयर कोर कॉइल है। ठीक है, मेरे पास एक और इस आयरन पीस है, इस आयरन पीस के मैं क्या किया हूँ, कॉइल वुंड किया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आयरन कोर कॉइल। ठीक है, अब ये बताइए, इसमें भी करंट इंक्रीज कर रहा हूँ, इसमें भी एच वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो दोनों में एयर कोर और आयरन कोर में पहले कौन से सैचुरेशन में जाएगा, एयर कोर जाएगा आयरन कोर जाएगा, और कोई इसके पास कोई आंसर, और बाकी लोग सो ठीक है, क्योंकि देखिए आयरन कोर में क्या होगा, लिमिटेड डोमेन्स रहेंगे। ठीक है, इसमें जो डोमेन्स रहेंगे वो एक वैल्यू तक डोमेन्स रहेंगे, तो आप बढ़ाते जाएंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, इसमें जितने भी डोमेन्स हैं वो सैचुरेट हो जाएंगे, लेकिन एयर में आयरन से ज़्यादा डोमेन्स रहेंगे, तो यही सैचुरेशन जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके वजह से ही यहाँ पे इस कॉइल का जो कर्व है और इस कॉइल का जो कर्व है, दोनों कर्व अलग अलग आया है। ठीक है, अब अलग अलग क्यों आया, अभी तक जो कहानी बताया हूँ मैं ऐसे ही बताया हूँ। ठीक है, ये मत सोचे कि मैं बहुत टाइम पास करता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें बीच बीच में बताना रहता है। ठीक है, तो ये वाला मेरा मेन कॉइल है, और इसका कर्व ये था ये, और ये वाला मेरा अदर कॉइल का कर्व तब भी। ठीक है, तो आप ये वाला कर्व देख सकते हैं, कॉइल ए का कर्व इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, और यहाँ आके वो क्या होने लगा, कॉन्स्टेंट हो जाने लगा, क्योंकि ये कर्व क्या हो गया, अब सैचुरेट हो गया। ठीक है, लेकिन कॉइल बी, जिसको मैं लॉकआउट कॉइल बोल रहा हूँ, ये वाला क्या हो रहा है, सैचुरेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सैचुरेट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा एयर कोर कॉइल है। ठीक है, और ये हमारा आयरन कोर कॉइल है। ठीक है, तो आप समझ में आया, आपको समझ में आया, क्योंकि देखिए दोनों कॉइल्स का कर्व अलग अलग है, तो ये कर्व जो है ये वाला हमारा इस कॉइल का है ये का, तो ये कर्व देखिए इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, कांस्टेंट हो जाने लगा, ये थोड़ा ऊपर दिखाया है लेकिन ये कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस कॉइल का कर्व देखिए इस पॉइंट के बाद भी वो कांस्टेंट नहीं हुआ, अभी भी इंक्रीज हो ही रहा है, इंक्रीज हो ही रहा है, इंक्रीज हो ही रहा है, क्योंकि ये हमारा एयर कोर कॉइल है, इसमें जो इसमें कोई आयरन मटेरियल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इस कॉइल में जितना करंट बढ़ाओगे उतना फ्लक्स बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, तो टार्क भी क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आयरन कोर कॉइल है, तो इसमें एक पर्टिकुलर करंट के बाद तुम अगर करंट इंक्रीज भी करोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस यही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये बताइए, अब ये बताइए, अब हम थोड़ा डीसी मशीन में जाएंगे, डीसी मशीन आप लोग पढ़े हो ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़े हो ना आप लोग। ठीक है,
क्योंकि हम जब डिप्लोमा में रहते थे तो मेरा डीसी मशीन में मुझे 100 नंबर आया था, 100 में 100, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, ठीक है, तो मैं इसलिए मैं अच्छा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो अब देखिए कि अब ये बताइए, डीसी मोटर को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उस समय करंट क्या होगा, हाई करंट होगा या लो करंट होगा स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट? बहुत ज़्यादा करंट, हाँ बहुत ज़्यादा करंट है, ठीक है, तो नॉर्मल, हाँ इसलिए स्टार्टर लगाते हैं ना। तो देखिए ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर स्टार्टर के साथ लगता है, तो ये मत सोचे कि ये कॉन्टैक्टर अलग से लगता है, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर क्या होगा, जैसा ये मेरा कॉन्टैक्टर है और ये मेरा स्टार्टर है, तो दोनों रहेंगे, ये मेरा डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर को पहला कॉन्टैक्टर रहेगा, उसके बाद स्टार्टर रहेगा, ठीक है, पहला कॉन्टैक्टर रहेगा उसके बाद स्टार्टर रहेगा। तो आप थोड़ा डीसी मोटर का स्टार्टर के बारे में देख लेंगे, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन मेरा काम होता है एक बार फिर से रिवाइज करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉलीडेज में कुछ काम जाता नहीं है, तो दिन भर पबजी या पबजी तो क्या बंद है, दिन भर कॉसी वो या फाइव फ्री फायर खेलते हैं, तो भूल जाते हैं खेलते खेलते, ठीक है। तो हाँ तो अब देखिए, क्योंकि मैं भी खेलता हूँ, मैं भी 1 घंटा खेलता हूँ दिन में, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्या होता है कि अब आप देखिए स्टार्टर में क्या होता है, ऐसा अलग अलग नॉब रहेंगे, ठीक है, तो पहला 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पहले हम 1 पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे तो उस समय मोटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हाई रेजिस्टेंस रहेगा, ताकि वो जो हाई करंट है उसको कम करके मोटर को दे। जैसा जैसा मोटर घूमना स्टार्ट हुआ, तो जैसा ही मोटर रोटेट होना शुरू हुआ, तो मोटर में क्या होगा, बैक ईएमएफ आएगा, तो जैसे ही बैक ईएमएफ आएगा तो जो हाई करंट है वो करंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो पहले हाँ मतलब देखिए, मोटर में, डीसी मोटर में क्या होता है कि स्टार्टिंग जब हम मोटर को ऑन करने वाले सिचुएशन में, उस समय मोटर का स्पीड जो रहता है वो 0 RPM रहता है, क्योंकि पहले तो मोटर के पास जाओगे वो तुम्हें देख के थोड़ी ना शुरू हो जाएगा, होते हैं ना, तुम जाके ऑन करोगे तब तक वो शुरू होगा। तो जब तुम ऑन स्विच ऑन करते हो तो उस समय मोटर 0 स्टेज से शुरू होता है, उसका स्पीड 0 से शुरू होता है, ठीक है। जैसे तुम मोटर ऑन करते हो तो उसका 0 से शुरू होता है, जब मोटर का स्टार्टिंग में करंट 0 है तो बैक ईएमएफ भी 0 होगा, और ये बैक ईएमएफ मोटर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बैक ईएमएफ 0 है तो करंट आई इज इक्वल टू V-EB/RA है, तो ईबी नहीं है तो हाई करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मोटर जब स्टार्टिंग रहता है तो उस समय हमको पहला नॉब में रखना पड़ता है स्टार्टर को, क्योंकि पहला नॉब में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है मोटर को, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही मोटर घूमने लगेगा तो मेरा स्पीड 0 से 5 RPM जाएगा, तो जैसे ही स्पीड 0 से 5 RPM गया तो मेरा वोल्टेज भी 0 से 5 वोल्ट में गया, तो थोड़ा बैक ईएमएफ पड़ा तो थोड़ा करंट कम होगा, तो तब इतना रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो रेजिस्टेंस कम करूंगा, और स्पीड बढ़ गया और रेजिस्टेंस कम करूंगा, और स्पीड बढ़ा और रेजिस्टेंस कम करूंगा, ऐसे फुल स्पीड में आ गया तो 5वां नॉब पे लाऊंगा, 5वां नॉब पे लाते ही पूरा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर है, ये काम, ये क्या करता है, पहले ये उस डीसी मोटर में क्या काम कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्टर तो लगेगा ही, तो ये काम, ये क्या करता है, ठीक है, जब मोटर स्टार्ट होता है, जब मोटर स्टार्ट होता है तो उस समय ये कांटेक्ट नहीं होता, ये कांटेक्ट नहीं होता, तो ये क्या करेगा, स्टार्टर जो सप्लाई आएगा वो स्टार्टर से होके मोटर को जाएगा, ठीक है, जो भी सप्लाई आएगा वो स्टार्टर से होके मोटर को जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मोटर घूमने लगेगा घूमने लगेगा घूमने लगेगा, मोटर जब फुल स्पीड में आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही मोटर फुल स्पीड में आएगा तब ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से टच करेंगे, और उस समय क्या आएगा, मेरा जो स्टार्टर है, मेरा जो स्टार्टर है वो क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, मतलब ये कॉन्टैक्टर क्या करेगा, स्टार्टर को बाईपास करेगा और मोटर को डायरेक्ट सप्लाई पे लगा देगा। तो समझ में आया आपको ये कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए तो होता क्या है कि मेरा कॉन्टैक्टर ऐसा रहेगा, कॉन्टैक्टर और स्टार्टर दोनों पैरेलल रहेंगे, ठीक है, और यहाँ से मेरा सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा डीसी मोटर, ठीक है। तो क्या होता है, ये लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में जब हम सप्लाई ऑन करेंगे तो उस समय ये कॉन्टैक्टर ऑफ पोजीशन में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ है मतलब सर्क्यूट ओपन है, तो करंट इधर नहीं जाएगा, तो करंट क्या होगा, इधर से होके स्टार्टर से होके जाएगा मोटर को,
तो स्टार्टर के होके मोटर को जाएगा, तो मोटर क्योंकि स्टार्टिंग में हाई करंट आता है तो स्टार्टर से जाने से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मोटर का स्पीड इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, और जब मेरा मोटर फुल स्पीड में आ गया तो उस समय क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा, मतलब ये दोनों मूविंग कॉइल कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉइल दोनों टच हो जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन हो गया तो ये कार्य करेगा, ये क्या करेगा, करंट जो है अब ऐसा आके स्टार्टर के थ्रू नहीं जाएगा, करंट पूरा क्या हो जाएगा कॉन्टैक्टर से बाईपास होकर जाएगा। मतलब ये कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है, स्टार्टर को, मोटर जब फुल स्पीड में आएगा तो स्टार्टर को ये कॉन्टैक्टर क्या करेगा, बाईपास करेगा। तो समझ में आया यहाँ कॉन्टैक्टर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को अब ये डाउट आएगा कि सर ने तो बता दिया, उनको क्या वो बताते रहते कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन आपको मैं झूठ नहीं बताऊं, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्टर है, ये मेरा स्टार्टर है, तो मैं यही बताया था आपको कि पहले क्या करेगा, जब स्टार्ट करेंगे तब ये कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा और जो भी सप्लाई जाएगा वो पूरा स्टार्टर से होकर मोटर को जाएगा, और जब मोटर फुल स्पीड में आएगा तब ये ऑन हो जाएगा और स्टार्टर को बाईपास करेगा, जो भी करंट आएगा वो अपने थ्रू मोटर को देगा। तो भैया अब ये मोटर इस भाई साहब को कैसे पता चल रहा है कि ये मोटर फुल स्पीड में आया है, कोई कुछ टुक्का मार सकता है, इसको कैसे पता चल रहा है मोटर फुल स्पीड में आया है? कोई कुछ, अरे गेस तो कर लो, अभी देखो मैं यही बता रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग में ये बंद रहेगा, ठीक है, जैसे मोटर फुल स्पीड में आएगा तब ये ऑन होगा और स्टार्टर को बाईपास कर देगा। तो अब इसको कैसे पता चल रहा है कि अब ये स्टार्टिंग है, तो इस समय मुझे चुप रहना है, जो भी करंट है वो स्टार्टर के थ्रू भेजना है, और अब फुल स्पीड में आएगा, अभी मेरा काम है अब स्टार्टर को बाईपास करना है, तो इसको कैसे पता चलेगा ये चीज़? अरे हो ना तुम लोग, अच्छा ठीक है, चलिए तो कुछ ना कुछ बोल दीजिए ना, हम गेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दो कॉइल बताऊँ, मेन कॉइल और लॉकआउट कॉइल, ठीक है। तो ये दोनों कॉइल क्या होंगे, आपका मोटर से सीरीज में लगेगा, ठीक है, मोटर का सीरीज में पहला मेरा कॉइल बी होगा, कॉइल ए होगा, ठीक है, कॉइल बी होगा और कॉइल ए होगा, ठीक है। मतलब ये जो मेरा पूरा कॉन्टैक्टर है, ये पूरा कॉन्टैक्टर क्या होगा, मोटर के सीरीज में रहेगा, ठीक है, ये पूरा कॉन्टैक्टर मेरा क्या होगा, मोटर के सीरीज में रहेगा। तो जो भी करंट मोटर को जाएगा वो इस कॉन्टैक्टर को होके ही जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा रहेगा, कॉन्टैक्टर रहेगा, स्टार्टर रहेगा, और मतलब ऐसा ही रहेगा, मतलब ये थोड़ा उसको ऐसा करेगा, ठीक है, मतलब ये पैरेलल ही आता है, ठीक है, कॉन्टैक्टर स्टार्टर, अब आप समझिए वो कनेक्शन अलग होता है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मतलब कॉन्टैक्टर तो मोटर के सीरीज में रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूज मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो क्या होगा कि ये मेरा डीसी मोटर है, ठीक है, ये मेरा डीसी मोटर है, तो इसका जो कॉइल्स है, ये दोनों कॉइल, कॉइल ए और कॉइल बी, ये दोनों मोटर के सीरीज में जाएंगे, लेकिन इसका ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये वाले, ये लेकिन स्टार्टर के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, देखते मेरा 5 मिनट में लाइट आना चाहिए, ठीक है, तो अगर लाइट आएगा तो मैं आपको फिर से शुरू करूँगा, ठीक है। मोबाइल डेटा में मैं अगर लाइव करने लगूँगा तो मेरा पूरा डेटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट जिसको पानी वानी पीना है तो पी के आइए, ठीक है, तो मैं 5 मिनट देखेंगे, 5 मिनट में नहीं आएगा तो मैं कुछ करूँगा, ठीक है। अभी लाइव भी चलता है ना, वो बहुत डेटा छूटता है, अभी मैं फोन से कनेक्ट किया हूँ लेकिन डेटा खत्म हो जाएगा भाई, 5 मिनट उतने के लिए बोला हूँ, देखो 5 मिनट में आएगा तो ठीक है। तो खाना नहीं दिया कुछ मैसेज किया, वो बोले खाना आएगा, वो बोले खाना आएगा, आपको भूख बोल रही है, बोल दिया
यूट्यूब में लाइव होता है।
चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब लोग हो ना भाग गए। ठीक है। तो हम लोग यहीं पे थे। ठीक है, तो अभी लाइट फिर से कटा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोबाइल डेटा फोन के बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम कहाँ पे थे। ठीक है, तो अब इसका ऑपरेशन देख रहे थे हम लोग। तो आपको ये वाला समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है। अगर ये हमारा मोटर है, ठीक है, तो मोटर के बगल में क्या होगा, हमारा कॉइल बी और हमारा कॉइल ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टार्टर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, इसका ये कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये वाला कॉन्टैक्ट इसका रहेंगे। ठीक है, मतलब ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग टर्मिनल्स यहाँ पे आएंगे, तो वो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये जो दोनों कॉइल है, ये वाला कॉइल है और कॉइल भी जो हमारा लॉकआउट कॉइल है। अगर मेरा आवाज़ कटेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरा कॉइल है और मेरा कॉइल भी, ये दोनों हमारा जो मोटर है, मोटर का सीरीज में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये देखिए, सीरीज मतलब क्या होता है कि जितना करंट होगा, मतलब मोटर को स्टार्टिंग में हाई करंट जाएगा, तो वो हाई करंट कॉइल ए में भी जाएगा और कॉइल बी में भी जाएगा। अब देखेंगे, दो कंडीशंस देखेंगे ताकि हमको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले देखेंगे स्टार्टिंग कंडीशन में, क्योंकि मैं आपको यही बताया था ना, मोटर जब स्टार्ट हो रहा है तो उस समय ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज नहीं होंगे, और जब मोटर फुल स्पीड में आया तब ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज होकर हमारा स्टार्टर को बाईपास करेगा। तो ये होता कैसा है। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो स्टार्टिंग जब मोटर स्टार्ट हो रहा है तो जो करंट होगा वो क्या होगा, हाई करंट होगा, है ना। तो ये हाई करंट क्या होगा, कॉइल ए में भी हाई करंट जाएगा और कॉइल बी जो हमारा लॉकआउट कॉइल है इसमें भी क्या होगा, हाई करंट जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू ये कर्व, हमारे ये जो कर्व है, इस कर्व की वजह से अगर मेरा करंट हाई है, मान लो हाई मतलब यहाँ पे है, मान लो करंट मेरा यहाँ पे है, तो उस समय आप ये बताइए कि मेरा ये कॉइल ए का जो कर्व है वो क्या हो जाएगा और कॉइल बी का कर्व क्या हो जाएगा। अब ये बताइए कि किसका टार्क ज़्यादा होगा, कॉइल के का या कॉइल बी का, मतलब इस कॉइल से जो टार्क आ रहा है वो ज़्यादा होगा या इस कॉइल का टार्क ज़्यादा होगा, किसका टार्क ज़्यादा होगा स्टार्टिंग कंडीशन में। कॉफी शॉप तुम लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रुकिए एक मिनट, नहीं पहले उनको मैं ऑडियो ऑन किया हूँ ना। ठीक है, अब देखिए, जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, ये देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको कर्व दिखाया था ना, कर्व तो मैं एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो अब ये देखिए, ये वाला कर्व कॉइल ए का कर्व है और ये वाला कर्व, ये जो है, ये वाला कॉइल बी का कर्व है। अब मैं स्टार्टिंग कंडीशन देख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग कंडीशन देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में मेरा करंट क्या होगा, हाई करंट होगा। अब ये कर्व जो है, ये टार्क वर्सेस करंट का कर्व है। ठीक है, अब ये बताइए, मेरा स्टार्टिंग करंट हाई है, मान लो यहाँ पे है मेरा स्टार्टिंग करंट, तो अब ये देखिए, अब इसको ऐसा देखेंगे तो मेरा कॉइल ये मान लो यहाँ इतना टार्क दे रहा है। ठीक है, और उसी का पॉइंट पे मेरा कॉइल भी इतना टार्क दे रहा है, ये कॉइल ए का टार्क है, कॉइल बी का टार्क। अब ये बताइए किसका टार्क ज़्यादा होगा, इसका टार्क या इसका टार्क, किसका ज़्यादा होगा कर्व के हिसाब से। मैं फिर से आपको कर्व चाहिए तो फिर से बता दूंगा। देखिए, स्टार्टिंग कंडीशन में, ये मैं स्टार्टिंग कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हाई करंट जाएगा, तो हाई करंट कॉइल ए में भी जाएगा और मेरा कॉइल बी जो लॉकआउट कॉइल बोलता हूँ इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो करंट मान लो हाई करंट इतना जा रहा है मेरा, तो इस पॉइंट पे कॉइल एक टार्क वर्सेस करंट का कर्व है ना, तो इस इतना करंट पे, ठीक है, मैं टाइट लाइन नहीं ड्रा कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना करंट पे कॉइल ए का, कॉइल ए से तार कितना आएगा। ठीक है, और इतना करंट पे कॉइल बी से तार इतना आएगा। ठीक है, ये कॉइल ए का तार कितना आ रहा है, कॉइल बी का तार कितना आ रहा है, मतलब किसका ज़्यादा आ रहा है, बी का या ए का।
ठीक है। तो अब देखिए बी का ज्यादा टारगेट मतलब बी क्या होगा, इसको इससे ज्यादा तेजी से कौन खींचेगा, बी खींचेगा, ठीक है। मतलब इसको ये ज्यादा तेजी से खींचेगा, अगर ये ज्यादा तेजी से खींचा, अब ये बताइए आर्मेचर ये कॉन्टेक्ट इधर मूव करेंगे या एक से एक दूर जाएंगे, पास जाएंगे टच करेंगे या दूर आएंगे, दूर जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, हिंज किए, मतलब एक पॉइंट से यहाँ पे हिंज किए। तो आप देखिए इससे जो फोर्स आ रहा है वो तो कम है व्हेन कंपेयर टू दिस, जब इससे ज्यादा फोर्स आ रहा है तो ये इसको ज्यादा तेजी से खींच रहा है, तो पूरा सेटअप पीछे आने का, ज्यादा पीछे आएगा तो ये दूर जाएगा। तो आप बताइए स्टार्टिंग कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पोजिशन में है या ऑन पोजिशन में है। तो अब ये मैं जो बताया हूँ, मैं क्या बताया हूँ कि स्टार्टिंग में ये कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा, तो पूरा करंट मोटर को जो भी करंट जा रहा है वो किससे जाएगा, स्टार्टर से जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अब जैसा 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 मोटर का स्पीड बढ़ता रहेगा तो मोटर को जो करंट जा रहा है, अब देखेंगे रनिंग कंडीशन का, ठीक है। मोटर अब पूरा स्पीड में आ गया, ठीक है। अब मेरा मोटर रनिंग कंडीशन में देख रहा हूँ, अब मेरा मोटर क्या हुआ, फुल स्पीड में आ गया, ठीक है। जब मेरा मोटर फुल स्पीड में आ जाएगा तो अब उस समय देखिए कि करंट ज़्यादा होगा या कम होगा, मोटर का जो करंट आ रहा है स्टार्टिंग से कंपेयर किया तो, ठीक है। जब करंट कम होगा तो आप फिर से देखेंगे, मान लो करंट इस बार इतना है, ठीक है। आप इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो कॉइल ए का, कॉइल बी का है, ये कॉइल बी है, कॉइल बी का टार्क इतना है और उसी पॉइंट पे कॉइल ए का टार्क इतना है, कॉइल बी का इतना है, कॉइल ए का इतना है। अब बताइए किसका टार्क ज़्यादा होगा, कॉइल ए का या कॉइल बी का। अरे कॉइल ए का होगा भाई, कॉइल बी का नहीं होगा। देखो ये, हाँ ये कर्व जो है, ये वाला कर्व जो है ये कॉइल ए का कर्व है, और ये वाला कर्व जो है ये कॉइल बी का कर्व है। सर ये वाला कर्व जो है ये कॉइल बी का कर्व है, ये वाला कर्व जो ऊपर जा रहा है, और ये वाला कर्व जो है ये कॉइल ए का कर्व है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये कॉइल बी का कर्व पे पॉइंट है, तो ये कॉइल बी का टार्क है और ये कॉइल ए का टार्क है। तो अब इस कंडीशन में फुल स्पीड में किसका टार्क ज़्यादा आ रहा है, सब लोग बोले हो कॉइल ए का टार्क, तो अब कॉइल ए इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो अब बताइए ये दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे या ओपन होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो अब ये जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो अब स्टार्टर क्या हो जाएगा, मेरा बाईपास हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आपका लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्टर काम करता था पुराना जमाने में, लेकिन अब यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। पुराना चीज़ को ही ज़्यादा टाइम लग गया समझने में, है ना, पुराने टाइम में इतना लॉजिक लगाते थे, ठीक है। तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्टैक्टर्स ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये जो है ये आपका कॉन्टैक्टर्स ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आगे जाएंगे हम लोग, कॉन्टैक्टर्स का रेटिंग आपको देखना है तो आपका रेटिंग ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये नोट्स में भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कभी भी कमर्शियली, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं और जो हमको मार्केट में दिखता है दोनों एक जैसा नहीं रहते, ठीक है, कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको यह बता दिया हूँ, तो मार्केट में जाएंगे तो आपको या जाएंगे बोलेंगे मुझे दे दो भाई क्लैपर टाइप का कॉन्ट्रैक्टर, वो बोलेगा भाई रेटिंग तो बता कहीं कौन सा चाहिए, वो बहुत सारे होंगे मार्केट में, ठीक है। तो उसको रेटिंग भी बताना होता है, ठीक है। तो आपका रेटिंग ऐसा रहता है, ठीक है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसका मैं कोशिश करता हूँ आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत दे दूँ नॉलेज, ठीक है। तो आपको बताना होता है मेन कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, दो कॉन्टैक्ट्स है, तीन कॉन्टैक्ट्स है, चार कॉन्टैक्ट्स है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जितने भी एक्सप्लेन किया हूँ ये सब सिंगल कॉन्टैक्ट्स वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करते समय हम लोग सिंगल कॉन्टैक्ट से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये जो है सोलनाइट टाइप भी, सिंगल कॉन्टैक्ट टाइप भी, ये थ्री कॉन्टैक्ट टाइप है, यहाँ पे आपका थ्री कॉन्टैक्ट्स है, ये एक दो तीन, ठीक है। और आपका क्लैपर टाइप जो एक्सप्लेन किया हूँ ये आपका सिंगल कॉन्टैक्ट टाइप है, ठीक है, ये आपका सिंगल कॉन्टैक्ट टाइप है। और आपका ये जो लॉकआउट टाइप कॉन्टैक्ट एक्सप्लेन किया हूँ ये भी आपका सिंगल कॉन्टैक्ट टाइप है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब आप परचेस करने जाएंगे
तो आपको ये बताना होगा कि आपका कितने कॉन्टैक्ट्स है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रेटिंग कितना है, करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग बताना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कितना है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एसी करंट का रेटिंग बताना पड़ेगा, उसमें भी आपको AC1, AC2, AC3, AC4 ऐसा रेटिंग्स आते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का रेटिंग बताना पड़ेगा, टर्मिनल कितना साइज का टर्मिनल चाहिए, तो टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टर्मिनल्स है ना, इसको ये इनपुट टर्मिनल है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, तो उनका भी साइज होता है, आपको ये वाला साइज भी देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉइल क्या है, स्टैंडर्ड कॉइल है, तो स्टैंडर्ड कॉइल का वोल्टेज रहेंगे 110 वोल्ट, 230, 360 ऐसा, ठीक है। कंजम्पशन, इकोनॉमिक स्टार्टिंग, ये सब देखना पड़ता है आपको, ठीक है। और AC1, AC2, AC4 ये सब क्या होता है, DC1, DC2, DC3 ऐसे मैं दिया हूँ स्लाइड में, और आपको नोट्स में भी देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्टैक्टस हो गया, तो कॉन्टैक्टस में किसी को कुछ डाउट है, ठीक है। तो अब तो रिलेस के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं पहले भी समझाया था, रिले आपका कैसा काम करेगा, जैसा ये आपका माइंड काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिग्नल लेगा, ठीक है, और सिग्नल के हिसाब से ये एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। मतलब अब आपका रिले क्या करेगा, सिग्नल लेगा, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। सिग्नल किसी और डिवाइस से लेगा, उसको हम पायलट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन भी किसी और डिवाइस को देगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ देना लेना काम है इसका, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर बैठ के ऑर्डर देता है, नीचे से कुछ काम नहीं करने वाला भाई है, ठीक है। तो अब ये मत सोचिए कि कभी भी आपको, जैसे क्या होता है ना, आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको जो भी एक्सप्लेन करना होता है, आपको ऐसा एक्सप्लेन करना होता है कि सामने वालों को ये चीज़ समझ में आए कि इसको नॉलेज है। अगर आप बुकिश डेफिनेशन बताने लगेंगे तो बंदे को लगेगा बंदा बहुत मेहनत करके पढ़ा है, लेकिन इसके उसको ये नहीं फीलिंग आएगा कि इसके पास नॉलेज है, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेन करते समय भी चीज़ों को आप एक वर्ड में भी समझाएंगे तो उस वर्ड में पूरा मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो रिले क्या होता है, रिले आपका क्या करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्क्यूट ब्रेकर को ओपन करने का इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। मैं आपको बुकिश डेफिनेशन में नहीं बताता हूँ क्लास में, ठीक है, लेकिन आपको मैं डेफिनेशन आपको नोट्स में तो मैं प्रॉपरली देता हूँ, ठीक है। मैं क्लास में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से, डायग्राम से, लेकिन मैं आपको नोट्स में तो डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन इतना पड़ता है, लेकिन समझने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल समझना पड़ता है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा, तो किसी को कोई दिक्कत होता है क्या, ठीक है। क्योंकि आप अगर चीज़ें समझ में आएंगे तो बाद में मैं नोट्स में कुछ और भी अंग्रेजी में लिख दूंगा तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको उसका पीछे जो कहानी है वो पता है, तो ऊपर से जो डेफिनेशन दिख रहा है वो तो समझ में आता ही है, ठीक है। तो ज़िले क्या करता है कि देखिए, ज़िले का हम छोटा सा डायग्राम मतलब ज़िले का मैं कुछ डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपना गंदा सा हैंड राइटिंग से लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा ज़िले है, ठीक है। भाई जो माइक ऑन किया हो माइक ऑफ कर लेना, माइक में एकदम आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिले क्या करेगा, सिग्नल लेगा, ठीक है, जहाँ से सिग्नल लेगा, जिस डिवाइस से सिग्नल लेगा, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलट डिवाइस बोलते हैं। तो पायलट डिवाइस इसमें क्या क्या आएंगे वो आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्नल देगा, किसको देगा, एक कंट्रोल सर्किट को, ठीक है। एक कंट्रोल सर्किट को क्या देगा, सिग्नल देगा, वो क्या करेगा, मेक और मतलब ये, ठीक है। अब ये बताइए पायलट डिवाइस में क्या आएंगे, कंट्रोल सर्किट में क्या आएंगे, रिले सिग्नल कहाँ से लेता है और इंस्ट्रक्शन किसको देता है, फॉल्ट आता है तो क्या वहां पे सर्किट बताया गया क्या रिले को कि भाई मैंने में फॉल्ट आया, सुनो, सर्किट तो नहीं बताता होगा ना, ठीक है।
सही आने वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे में कोई दिक्कत होता है क्योंकि जियो का वाईफाई है तो उसको ऑन होने में 2 मिनट लगता है, क्योंकि 5G 4G ऐसा आता है ना वो, तो पहले 4G ऑन होगा उसके बाद 5G ऑन होगा तो उसमें टाइम लग जाता है। तो क्या बता रहे थे कि सिग्नल जहाँ से लेता है, सर्क्यूट से सिग्नल लेता है और इंस्ट्रक्शन किसको देता है? हेलो, हाँ हाँ देखिए, जो पायलट डिवाइस होते हैं इसमें आपका CET PET, ठीक है, ये सब आते हैं, और कंट्रोल डिवाइस में आपका सर्क्यूट ब्रेकर, ये सब आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए रिले जो होता है इसको कहीं से वो सिग्नल नहीं आता कि भाई फॉल्ट करके इसको सिग्नल नहीं आता, ठीक है, इसको सिग्नल आता है सिर्फ वोल्टेज और करंट, ठीक है। रिले जो इनपुट लेता है, ठीक है, रिले जो इनपुट लेता है वो वोल्टेज लेता है और करंट लेता है, ठीक है। अब इसको जो वोल्टेज और करंट जो इनपुट में मिल रहा है इनके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड होके ये रिले ही डिसाइड करता है कि वो फॉल्ट है या वो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। तो रिले को इनपुट जो मिलता है उसको वोल्टेज और करंट के रूप में मिलता है इनपुट, और रिले को जाके डिटेक्ट करने वाला है कि वो वैल्यूज़ वोल्टेज का कितना वैल्यू है, करंट का कितना वैल्यू है, उस वैल्यूज़ पे डिपेंड होकर रिले ये डिसाइड करेगा कि ये फॉल्ट कंडीशन है या नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद ये जाके सिग्नल देगा किसको, हमारा ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को, कि अगर फॉल्ट है तो बोलेगा कट कर दो, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो इसको कुछ नहीं बोलेगा, वो अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया रिले को क्या होता है? तो रिले को जो पायलट डिवाइस होते हैं, पायलट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो रिले को सिग्नल देते हैं। मान लो ये अगर मेरा प्रेजर रिले है, ठीक है, ये मेरा प्रेजर रिले है, ठीक है, तो प्रेजर रिले को इनपुट क्या होगा, प्रेजर का वैल्यू है ना, और प्रेजर रिले का आउटपुट क्या होगा, प्रेजर का नॉब, प्रेजर का जो नॉब होता है उसको क्या करेगा, कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इनपुट कहाँ क्या जाइए इसको, प्रेजर, तो प्रेजर इसको कहाँ से मिलेगा, प्रेजर सेंसर से, तो प्रेजर सेंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायलट डिवाइस हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, नॉब को कंट्रोल करेगा, तो ये नॉब इसके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। वैसे मान लो टेम्परेचर रिले है, ठीक है, तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, टेम्परेचर का वैल्यू होगा, और आउटपुट क्या होगा, एक नॉब होगा यहाँ पे भी, तो ये टेम्परेचर कहाँ से आएगा इसको, एक टेम्परेचर सेंसर से आएगा, तो ये टेम्परेचर सेंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पायलट डिवाइस हो जाएगा, और ये नॉब क्या हो जाएगा, कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रिले है तो मान लो ये ओवर करंट रिले है, ओवर करंट मतलब ये करंट ज़्यादा हो रहा है, ओवर नहीं, ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड रिले, ठीक है। तो ओवरलोड रिले के लिए इनपुट क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मोटर ओवरलोड हुआ है, आवाज आ रहा है ना मेरा, तो अब बेटा ये यहाँ पे मोटर है, ठीक है, ये मोटर को एक ओवरलोड रिले लगाया हूँ, तो अब इसको रिले को कैसे पता चलेगा कि ये मोटर ओवरलोड है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाँ, करंट वैल्यू लेगा, तो मतलब इस रिले के लिए इनपुट क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। तो करंट आपको कौन देगा, CT, करंट ट्रांसफार्मर, अगर हाई करंट है तो, नहीं तो अमीटर, अगर लो करंट है तो, ठीक है। तो अमीटर और CT को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलट डिवाइस बोलते हैं, मतलब जो डिवाइसेस रिले को सिग्नल दे रहे, तो पायलट डिवाइस क्या हो गया, हाई करंट है तो CT होगा, अगर लो करंट है तो अमीटर होगा, तो यही दोनों है ना करंट को नापने वाले, तो ये दोनों करंट को नापेंगे और रिले को देंगे, ठीक है। अब रिले में हम सेटिंग करेंगे, जैसा मैं सेटिंग किया हूँ, मैं रिले को 5 एम्प, मतलब मेरा जो मोटर है ये 5 एम्प इसका रेटेड करंट है, अगर 5 एम्प से ज़्यादा करंट ये मोटर ले रहा है मतलब मेरा मोटर ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो रिले को मैं सेट किया हूँ 5 एम्प, तो रिले को जो इनपुट में करंट मिल रहा है, मान लो पहले 4 मिला, तो रिले को 4 मिला और उसका सेटिंग 5 है, तो रिले ये सोचे कि ठीक है नॉर्मल कंडीशन, 4.5 मिला,
पाँच से कम है तो अभी भी सोचे कि ठीक है नॉर्मल कंडीशन। अब फाइव अब सिक्स का सिक्स चांस मिल गया तो सिक्स चांस मिला तो रिले को पता चलेगा मेरा तो फाइव है यहाँ तो सिक्स मिला, तो तुरंत ये रिले क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मान लेंगे ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को सिग्नल जाएगा कि भाई ओपन कर दो, तो सर्क्यूट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा ठीक है। तो रिले ऐसा काम करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है रिले के लिए ठीक है, समझ में आया ठीक है। तो ये रिले का सर्क्यूट है, इसमें मत जाइए, इसमें जाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको रिले का एक सर्क्यूट दिया हूँ ठीक है। तो ना रिले का सर्क्यूट मैं आपको ऐसे ही दिया हूँ ठीक है। तो ये नॉर्मल सिंगल रिले है और यहाँ पे एक और बड़ा रिले है ठीक है। तो रिले का एक एडवांटेज क्या बता रहा हूँ, देखिए रिले का एक एडवांटेज क्या है कि रिले यूज़ करने से कहीं भी हमको फॉल्ट है तो हम उसको ईजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है। फॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और रिले में एक और एडवांटेज ये है कि ना अगर रिले नहीं यूज़ करेंगे तो अगर कहीं फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट को ढूंढ के उस फॉल्ट को रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा। अगर रिले है तो तुरंत रिले बता देगा कि भाई फॉल्ट यहाँ पे है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कंट्रोल पैनल में लाइट रहेंगे। मान लो मेरा मोटर है, ओवरलोड रिले का एक लाइट रहेगा, शॉर्ट सर्क्यूट का एक लाइट रहेगा, वोल्टेज लो वोल्टेज एक लाइट, तो जैसे ही फॉल्ट आएगा तो अगर ओवरलोड की वजह से आया, ओवरलोड का जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। तो देखते समझ में आएगा ओवरलोड का लाइट ऑन हुआ मतलब मेरा मोटर ओवरलोड हुआ, तो जाएंगे मोटर का लोड को कम करेंगे और मेरा आसान से चले जाएगा। अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ है तो तुरंत मेरा शॉर्ट सर्किट का रिले बंद हो जो काम करेगा, तो अभी दिखा देगा शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हम जाएंगे देखेंगे कहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको ठीक करेंगे। तो हमको कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है वो ढूंढने में हमको आसानी हो जाएगा, किसके वजह से, किसके वजह से आसान होगा भाई, रिले की वजह से हमको हाँ फॉल्ट को ढूंढने में आसानी होगा ठीक है। तो ये रिले के बारे में है ठीक है। आगे जाके हम ओवरलोड रिले क्या होता है, उसके बाद बायोमेटालिक थर्मल ओवरलोड रिले क्या होता है ठीक है, उसके बाद रिचर्ड टाइप यूटेक्टिक एलॉय रिले क्या होता है ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक डैशपॉट ऑयल फील्ड रिले क्या होता है, ये सब देखेंगे ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको रिले का वो ओवर रिले का सिर्फ आपको का ऊपर ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो रिले क्या होता है समझ में आ गया है ना। तो रिले के लिए एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है, वो कौन सा रिले है, अगर वो ओवरलोड रिले है तो उसके लिए इनपुट करंट होगा, अगर वो शॉर्ट सर्किट रिले है तब भी उसके लिए इनपुट करंट होगा, अगर वो वोल्टेज रिले है तो उसके लिए इनपुट वोल्टेज होगा, अगर वो प्रेशर रिले है तो उसके लिए इनपुट प्रेशर होगा, अगर वो टेम्परेचर रिले है तो उसके लिए इनपुट टेम्परेचर होगा। कौन सा रिले है, किस कौन सा पैरामीटर के लिए, वही उसके लिए पैरामीटर होगा। मान लो करंट रिले है तो वो करंट को नापने वाला डिवाइस उसके लिए पायलट डिवाइस हो जाएगा, वोल्टेज को नापने वाला डिवाइस वोल्टेज हो जाएगा, तो वैसा होता है ठीक है। और आउटपुट जो होता है वो कॉन्टैक्टर या सर्क्यूट ब्रेकर होता है जो रिले से सिग्नल लेके ओपन क्लोज करते हैं सर्क्यूट को ठीक है। तो समझ में आया आपको, तो आज इतना ही पढ़ेंगे ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अगला हफ्ता शायद आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ठीक है, शायद मैं को यही उम्मीद है कि अगला हफ्ता आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को कोई, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मैं देखा हूँ कि आप लोग वहाँ पे शायद कमेंट कर दिए हो आपका रोल नंबर ठीक है। तो हाँ अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो YouTube में वो लोग आपका रोल नंबर कमेंट कर दिए हो मैं देखूँ, अभी कोई कमेंट करना है तो कर दीजिए ठीक है। मैं अभी YouTube का जो लाइव है वो बंद कर दे रहा हूँ ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं YouTube वालों के लिए ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन होता है ठीक है। तो मैं YouTube लाइव बंद कर रहा हूँ, तो आप अगर और भी कोई कमेंट करना भूल गए तो आप मुझे WhatsApp में भी कमेंट कर तो आपका रोल नंबर भेज सकते हो ठीक है। तो ठीक है YouTube वालों के लिए बाय है, अभी आप लोग यही रहिए, मैं Google Meet वाले आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ।